जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गोल इंडियन आर्मी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी जीडी की वैकेंसी आ चुकी है, इसलिए अगर आपने अभी तक इसका ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा है तो जल्दी से भर दीजिए, क्योंकि बाद में इसकी साइट ओपन नहीं होती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको आज बताएंगे कि गर्ल्स के लिए एसएससी जीडी में कौन सी पोस्ट सबसे अच्छी होती है, यानी कि लड़कियों के लिए कौन सी पोस्ट सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि एसएससी जीडी में बहुत सारी पोस्ट पर वैकेंसी आती हैं, जैसे कि बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एनआईए, सीआरपीएफ और असम राइफल्स। इन सभी पोस्ट के लिए एसएससी जीडी द्वारा भर्ती होती है। इसलिए बहुत सारी गर्ल्स के हमारे पास कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप बता दीजिए कि एसएससी जीडी में लड़कियों के लिए कौन सी पोस्ट सबसे अच्छी होती है, ताकि हम उसे ही सबसे पहले सेलेक्ट कर सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आपको यही बताएंगे कि आपकी सहूलियत के हिसाब से किसके लिए कौन सी पोस्ट बेस्ट है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, मैं यहाँ पर आपकी पसंद के हिसाब से आपको पोस्ट बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी पोस्टिंग भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर या फिर उसके आसपास ही लगे, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बीएसएफ को अपनी प्रेफरेंस में सबसे ऊपर भरें, क्योंकि बीएसएफ के जवानों की ड्यूटी भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर ही लगती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वहां पर खतरा भी बहुत ज़्यादा रहता है। वहां पर कोई पता नहीं होता कि कब कोई आतंकी कब और कहां से हमला कर दे, इसलिए बीएसएफ की पोस्ट लड़कियों के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। दोस्तों, इसके बाद अगली चॉइस के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी पोस्टिंग घने जंगलों में या फिर बहुत ही खतरनाक नक्सलवादियों के क्षेत्र में लगे, तो आप सीआरपीएफ को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सीआरपीएफ की ड्यूटी बीएसएफ से भी ज़्यादा खतरनाक मानी जाती है, क्योंकि सीआरपीएफ की पोस्टिंग नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ही लगती है, इसलिए लड़कियों के लिए सीआरपीएफ की वैकेंसी भी अच्छी नहीं मानी जाती। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी ड्यूटी ऐसी जगह लगे जहाँ पर ज़्यादा खतरा नहीं होता है और आप थोड़े सेफ रहें, तो आप चॉइस में आईटीबीपी, असम राइफल या एसएसबी को भर सकते हैं, क्योंकि इन फोर्सेस की ड्यूटी में इतना खतरा नहीं होता है जितना कि बीएसएफ और सीआरपीएफ में होता है। इसलिए आप आईटीबीपी, असम राइफल्स या फिर एसएसबी की तैयारी कर सकते हैं। तो साथियों, अब मैं आपको एक ऐसी पोस्ट के बारे में बताऊंगा जो बहुत सेफ मानी जाती है, और इनको ज्वाइन करने के बाद आप ड्यूटी के साथ साथ किसी कंपटीशन की तैयारी भी कर सकते हैं, क्योंकि एक तो इसमें खतरा नहीं होता है और दूसरा ड्यूटी के बाद पढ़ाई के लिए भी अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। तो इस तरह की पोस्ट में सबसे पहली पोस्ट है सीआईएसएफ की, क्योंकि सीआईएसएफ के जवानों की पोस्टिंग ज़्यादातर मेट्रो स्टेशनों और हवाई अड्डों पर लगती है, या फिर सरकारी उद्योगों में सिक्योरिटी गार्ड्स के रूप में इनकी ड्यूटी लगाई जाती है। कहने का मतलब ये है कि भारत के इंडस्ट्रियल एरियाज में सीआईएसएफ के जवानों की पोस्टिंग लगती है, इसलिए लड़कियों के लिए सीआईएसएफ की पोस्ट काफ़ी अच्छी मानी जाती है, इसलिए आप सीआईएसएफ को ज्वाइन कर सकती हैं। दोस्तों, इसी तरह की दूसरी पोस्ट के बारे में हम बात करते हैं, जिसका नाम है एसएसएफ। दोस्तों, एसएसएफ के बारे में मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया था कि एसएसएफ के जवानों की ड्यूटी केंद्रीय सचिवालयों के अंतर्गत आने वाली बिल्डिंग्स की सिक्योरिटी में लगती है। जितने भी मंत्रालय होते हैं उन सभी में एसएसएफ के जवानों की ड्यूटी लगती है, और इनकी ड्यूटी केवल दिल्ली में ही लगाई जाती है। इसलिए अगर लड़कियों की बात करें तो सबसे बेस्ट पोस्ट एसएसएफ की होती है, क्योंकि इनकी पोस्टिंग केवल और केवल दिल्ली में ही होती है। दिल्ली से बाहर इनकी पोस्टिंग कहीं नहीं होती, इसलिए गर्ल्स के लिए एसएसएफ की पोस्ट सबसे अच्छी मानी जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने एक एक करके सभी पोस्ट के बारे में आपको बता दिया है कि किस पोस्ट में आपको कहां पर जाना होगा। साथ ही हमने आपकी पसंद के हिसाब से आपको पोस्ट भी बता दी है। हमें उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें, और अगर एसएससी जीडी से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए, हम उस पर भी एक अलग से वीडियो बना देंगे। तो साथियों, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।